द कश्मीर फाइल्स की सफलता के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म को लेकर ऐसा बर्ड क्रिएट हुआ जो लोगों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाने में सफल रही। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। ये फिल्म 13 दिनों में ऐसा जादुई प्रदर्शन करेगी इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, न ही फिल्म के मेकर्स को, न ही एक्टर्स को और न ही दर्शकों को। लेकिन इस फिल्म ने जो कमाल किया वो रिसर्च करने लायक विषय है। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ कमाने वाली फिल्म 100 के पार भी जा सकती है, ये कल्पना भी बचकानी लगती थी, पर इसने ये कर दिखाया। मात्र 15 करोड़ के बजट में बनी द कश्मीर फाइल्स ने बड़ी बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पानी पिला दिया। यदि हम इस फिल्म की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पर गौर करें तो इसकी सफलता के 5 मेन वजह नजर आएंगे। चलिए इस वीडियो में 5 ऐसे कारण जानते हैं जिसने बिना प्रमोशन के द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए और यकीनन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में दिखाई गई सच्चाई को प्रमोट करवाने में यदि किसी का हाथ है तो वो हम और आप है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वजह नंबर 1, फिल्म का रियल घटनाओं पर आधारित होना। द कश्मीर फाइल्स देखकर घाटी से जान बचाकर भागकर आए कश्मीरी हिंदू बीते वक्त को याद कर भावुक हो गए। उनके बच्चे जो 1990 के दशक के बाद पैदा हुए और अपने बड़ों से उन्होंने उस बर्बरता के बारे में सिर्फ सुना है, फिल्म में उसे प्रत्यक्ष देख इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया इनके ट्वीट से भर गया जिसमें कश्मीरी लोग खुद पर हुए अत्याचार की एक एक दास्तां बयां किए। इनके आंसू लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया। जो लोग कश्मीर से नहीं भी हैं वो भी जानने को उत्सुक थे कि 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ था जब 5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। वजह नंबर 2, द कश्मीर फाइल्स को मिला विवादों का सहारा। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एक फैन के पूछने पर विवेक अग्निहोत्री ने ये ट्वीट करके विवाद शुरू कर दिया कि उन्हें द कपिल शर्मा शो पर प्रमोशन के लिए बुलाया नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि प्रमोशन के लिए उनसे 25 लाख रुपए मांगे गए थे। खैर जो भी हो, पर नेशनलिज्म के नाम पर कपिल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। लोगों में गुस्सा भड़का और ट्विटर पर बायकॉट दी कपिल शर्मा शो ट्रेंड होने लगा। लोगों ने ठान लिया कि फिल्म का प्रमोशन अब वो खुद करेंगे। वजह नंबर 3, पॉलिटिकल सपोर्ट। द कश्मीर फाइल्स बड़े ही शांत तरीके से रिलीज हुई। फिल्म के रिव्यू भी मिले जुले थे, पर इसके बाद मानव भावनाओं का आवेग आया और इसने अपनी चपेट में राजनीतिक हस्तियों को भी ले लिया। सबसे पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया। इसके बाद तो मानो हर तरफ से टैक्स फ्री की खबरें आने लगी। लोग भी सोचने लगे कि जिसे सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इतना बज है, उस फिल्म को क्यों ना देखा जाए। वजह नंबर 4, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन किसी बड़े मंच पर नहीं किया गया, पर फिर भी इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ गई। इसके पीछे की वजह है कि फिल्म देखकर निकल रहे लोग भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से फिल्म को देखने की अपील करना। सोशल मीडिया द कश्मीर फाइल्स देखकर आंसू बहाने वाले वीडियो से भर गया। नतीजा ये हुआ कि कोरोना महामारी में सिनेमा घरों से दूरी बनाने वाले दर्शक भी इसे सह परिवार देखने गए। ये इस फिल्म के हिट होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। वजह नंबर 5, सेलेब्स सपोर्ट। कंगना रनौत हर दिन द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ न कुछ शेयर करती रहती। यहाँ तक कि आमिर खान ने भी लोगों से इसे जरूर देखने की अपील की। फिल्म को लेकर नेगेटिव कमेंट करने वालों पर लोग जमकर भड़के। जो सेलेब्स फिल्म को लेकर कुछ नहीं बोले वो भी पब्लिक के निशाने पर आ गए। कुल मिलाकर इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त सपोर्ट रहा। इस तरह से हमने इस वीडियो में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के इनसाइड फैक्ट्स पर बात किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।